हरदीप जी जो एक प्रमुख गवाह है लखीमपुर कांड में, जिस तरह से उन पर दबाव बनाया गया, प्रताड़ित किया गया और घायल किया गया, और सरकार का जो रुख और रवैया है वो समाज भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रोज टिप्पणियां हो रही हैं, और जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी, जो काम सरकार को करना था, जब बेल का ऑर्डर मिल गया तो उसकी अपील में राज्य की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने, लेकिन कोर्ट ने नहीं किया, किसानों को खुद ऑर्गेनाइज होकर करना पड़ा, अपना पक्ष वहां रखना पड़ा, और अब बेल उनकी रद्द कर दी गई है आशीष देवी की, उनको दोबारा जेल में जाना पड़ा। मैं अपना दायित्व समझता हूं, क्योंकि बड़े मूवमेंट को इस क्षेत्र के किसानों ने रचा, पूरे देश ने महसूस किया किसानों का दर्द, जिस तरह से उनको रोम के कुछ लोग चले गए, सत्ता के अहंकार में अभी भी वो लोग डूबे हुए, और वो चाहते हैं किसी तरह की सरकार दोबारा बीजेपी की बन गई, उसी विषय में रहते हुए केस को भी वो मैनिपुलेट कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो भी गवाह हैं उनकी सिक्योरिटी उनको मिले प्रॉपर, और कोई भी उनके पक्ष में दखलंदाजी ना हो अनैतिक, लेकिन जिस तरह से हरदीप के साथ हुआ ये तो वारदात खुलेआम बताती है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई है, किसान लेकिन किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। मैं आज उनसे मिलूंगा, हम सब लोग उनके साथ हैं, और न्याय की मांग को अंतिम मोड़ तक ले जाने के लिए हम इस यात्रा में साथ हैं। मेरे साथ आज दिल्ली से केसी सिंह जी भी साथ आए, उनकी भी इच्छा थी, पूर्व एम्बेसडर है, और जो वकील खड़ा किया किसानों ने, जो पक्ष तैयार किया उसमें उनका भी योगदान है।